मुंबई में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहीं मतदाताओं को कोई तकलीफ न हो, सही समय पर सही जगह पहुंचकर अपने प्रतिनिधि को वो चुन सके, इसके लिए पोलिंग बूथ से लगभग 200 मीटर के दायरे के अंदर वो टेबल लगाया गया और बाकायदा उनकी चिट्ठी, बूथ क्रमांक और जो उनके डॉक्यूमेंट है वो दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से मतदाता का जो उत्साह था, सुबह के वक्त बरसात की वजह से थोड़ा मतदान परसेंटेज कम हुआ, लेकिन जैसे ही धूप निकली मतदाता घर से निकलने लगे। फिल्म सितारों की बात करें या फिर बड़े राजनेताओं की, तो वो भी मतदान दे चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई के इलाके में चलते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। 36 अगर मुंबई की विधानसभा की बात करें तो उसमें से उत्तर मुंबई में परसेंटेज ज़्यादा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, उत्तर मुंबई में सबसे अच्छा परसेंटेज देखा जा रहा है? देखिए, चार को विधानसभा के उत्तर मुंबई के चार को विधानसभा में लोगों में मतदान करने के लिए उत्सुकता है। लोग अपना नेता चुनना चाहते हैं, आने वाले दिनों में हमारे परिसर का विकास हो, उसमें उनका योगदान हो, उस योगदान को देने के लिए सारे लोग बाहर निकल करके मतदान करना चाहते हैं। सुबह बरसात का समय था इसलिए थोड़ी मंद गति से लोग निकले हैं, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म हुई है लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों में उत्सुकता है। लोग आने वाले दिनों में अपना अच्छा नेता चुनने के लिए, अपने पसंद का विधायक चुनने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। सर, पहले चुनाव में क्या तकलीफ होती थी मतदाताओं में, और अब जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें क्या कुछ उनको फैसिलिटी मिल रही है? पहले चुनाव में मतदाता जो सूची रहती थी उसमें लोगों के फ़ोटो नहीं रहते थे, नामों में थोड़ी गलतियां होती थी तो पता नहीं चलता था और मतदाता वहां पहुंच नहीं पाते थे। अब मतदाता सूची में उनका फ़ोटो लगा है, जो व्यवस्था है सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी का बूथ अगल बदल हो गया है लेकिन उनका फ़ोटो व्यवस्थित है तो उनको उनका नाम मिलने में, उनकी जगह मिलने में, उनको मतदान करने में अव्यवस्था नहीं होती, लोग जा कर के राजी खुशी से मतदान कर पा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्होंने सोच समझ करके उनका विकास कैसे हो सकता है, उनका विकास कौन कर सकता है और उनको कौन उपलब्ध रहता है जो उनका काम कर सके, जो उनका जाना पहचाना चेहरा हो, उनके लिए निकल करके मतदान करना चाहिए और अपने हक का, जो लोकतंत्र का यह महापर्व है इसमें लोगों ने निकल करके उस महापर्व में अपने जो अपना जो हक है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमको अधिकार दिया है, जो हक दिया है, उसका इस्तेमाल करके अपनी पसंद का अपना नेता और अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों को गाइड किया जा रहा है, उनके नाम के साथ पर्चियाँ दी जा रही है। और वहीं उत्तर मुंबई में कमलेश यादव जी द्वारा कई जगह पर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो लोगों का नाम का कुछ तकलीफ हो या फिर उन्हें उनके पोलिंग बूथ का पता ना हो, वो सही तरीके से सही जगह पर पहुँच सके। अब ऐसे में चुनावी बिगुल बजा था और उस बिगुल का महायज्ञ हो रहा है। 24 तारीख को महाराष्ट्र के भाग्य का फैसला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ मुरारी सिंह, मुंबई। कंक्रीटের এই জঙ্গলে ফিরে আসুক সবুজ ঝড়, বন্ধ করে প্লাস্টিক, পরিবেশ হোক পরিষ্কার, গুটখা বা সিগারেট নিষিদ্ধ, মারুন সেন্সেশন রূপশ্রীতেও পাশে আছে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।